जय हिंद नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों बाबू का मेडिकल फिजिकल दोनों क्लियर हो गया है और बात दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों आरओ है दोस्तों बनारस आरओ और एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों कि जो इंसान मेहनत करता है तो सफलता दोस्तों एक दिन उसका कदम जरूर चूमती है और बाबू ने दोस्तों बराबर 2 साल मेहनत करी। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 3 साल से भर्ती नहीं आ रही थी बनारस आरओ की और इसके बाद दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी में ये बाबू ने बराबर दोस्तों 2 साल मेहनत करी और आज हम बहुत ज्यादा खुश है और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों। ये एडमिट कार्ड मेरे हाथ में, मेरा सबसे बड़ा एक लक्ष्य है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक फोन लगा दो और यहां पर मिलने के लिए आ जाओ और ये एडमिट कार्ड मेरे हाथ में दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सूरज यादव। जैन साथियों। जैन बाबू, मैं यूपी देवरिया जिले का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज यादव है। मैं यहाँ पे 2 साल यहाँ रहते हुए हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे निरंतर प्रयास किया और मेरे पहली टाइमिंग आई थी 5:50 आया था और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइमिंग लगा कर गया था 4:45 और मेरा यहाँ पे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आज मेडिकल और फिजिकल दोनों क्लियर हो गया। मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, ये सब आपकी मेहनत है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अच्छे से रिटर्न में फोकस करना। जिस तरह आपने 2 साल मेहनत करी उसी तरह मेहनत करना आप, क्योंकि आप 15 जनवरी को आपका पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 जनवरी को आपका पेपर है और मालिक की दो आशीर्वाद से आपका पेपर भी निकलेगा और एक दिन यहाँ पर आप इंडियन आर्मी की वर्दी में आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताओ कि 1600 मीटर के 4 चक्कर कैसे दौड़े? 4 चक्कर मेरी आगे से पहली लाइन पड़ती है जी, हाँ यूट्यूब पर। हाँ, पहले रस्सी की तरफ लग गए थे, आगे से 15 नंबर पे था जी। रस्सी की तरफ वहां से निकलना मेरे को मुश्किल लग रहा था लेकिन मैंने घबराया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया था कि कहीं भी बैठ जाओ, मेरे को बस ये लक्ष्य था कि मेरे को बस 1600 मीटर एक्सीडेंट मारना है। लेकिन मैंने घबराया नहीं, पहले 2.5 राउंड तो मैंने पूरे ग्रुप के बीच में रहा, निकलना मुश्किल था मेरे को, ठीक है। तो मैंने लगातार प्रयास किया और बस एक ही ख्याल आता था, बस गुरुजी जो बोले हैं कि बेटा तुम्हारा भर्ती मारना है और बस मम्मी पापा ख्याल आता था, जितना आप समझाया था बस वही याद किया। चौथे नंबर पर आया, मेरे बैच में एक भी गुड नहीं लिया, एक भी एक्सीलेंट नहीं लिया, सारे के सारे बंदे गुड लिए दोस्तों। बनारस आरओ की बात है दोस्तों, एक भी एक्सीलेंट नहीं लिया और बंदा 4 नंबर पर आया। मैं तो ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप भर्ती मार रहे हो, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि बंदे 3-3 साल 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो जो बंदे इसके पहले भर्ती में पास हो गए थे वो बंदे इस बार बाहर हुए, बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेडिकल कैसे हुआ बाबू? मेडिकल सर जी लगभग कहीं से छोड़ा नहीं, मतलब वो तो अगर पूरा पूरा कपड़े निकाल देते हैं, हम लोग को जिस दिन फिजिकल था मेरा अगले दिन 4 बजे मेडिकल के लिए बुला लिया जी। और 5 बजे से मतलब पूरे एक चड्ढे पे रख लिया था, जब अंदर का सिस्टम चेक करना था तो बस बाद में चड्ढा भी खुलवा दिया, बढ़िया से जो ज्यादा लड़का कलाकारी कर रहा था उसको पॉइंट दे रहा था, क्योंकि जिसको एल्बो में या नोकनी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा होशियारी दिखा रहे थे, लेकिन फौजी साहब के आगे किसी होशियारी चलती नहीं है। सही बात। हाँ, तो पॉइंट दे रहा था, मेरे को कोई डाउट नहीं था। तो साथियों आप देख रहे हैं बाबू को यहाँ पर कटा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए बंदा पास हो गया है, ये एडमिट कार्ड साथियों देख लीजिए, दांत टूटा हुआ है दोस्तों देख लीजिए, आ करो ये दांत टूटा हुआ है साथियों देख लीजिए, यहाँ पर भी बंदा पास हो गया। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा दांत टूटा हुआ है या डिस्टेंस है या कटा पिटा है, चल जाएगा, माइनस माइनर मिस्टेक है और 21 बीस है तो चल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जब भी आप मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को पूरा साफ सुथरा करवा ले, जैसे बाल कटवा ले, कान का मेल वगैरह निकला ले, मंजन वगैरह दांत वगैरह अच्छे साफ करवा ले, सब दूर के बाल कटवा ले। और वहां पर सबसे बड़ी बात तो कभी मेडिकल में पास होना है तो अनुशासन बरते, कभी अनुशासन बरत रहे हैं आप
और फौजी साहब का सम्मान कर रहे हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों ये वाला एडमिट कार्ड आपके हाथ में रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और कभी आप इंदौर फिजिकल एकेडमी आ रहे हैं तो अपने माता पिता को जरूर लेकर आए, यहाँ की पूरी व्यवस्था देखें, उसके बाद में एडमिशन करवाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों, कभी मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलें, मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलें तो दोस्तों ये वाला एडमिट कार्ड भी आपके हाथ में रहेगा। साथियों देख लीजिए आप एक बार, भारत माता की फौजी बनोगे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।